तो इसके क्या बारे कहना में कह चाहेंगे? रहे थे। ये एक 17 और 18 नवंबर की जो है दरमियानी रात को एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक शख्स जिसका नाम विशाल कुमार था और जो बिहार का के ज़िला बलस्तर कस्तूरा का रहने वाला था, वो उसकी जो है वो उसकी बॉडी पे निशानात थी और वो उसको मारा गया था, मतलब ही वॉज मर्डर्ड। तो जो ही सवेरे इसका जो केस रिपोर्ट हुआ, पुलिस ने जो है यहाँ पे FSL से एविडेंस कलेक्ट कराई और जो भी वहाँ पे सेना क्राइम पे जो FSL के मतलब जरिया जो भी मतलब एविडेंस मिले वो कलेक्ट किए गए। उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। तो यहाँ जो नौशहरा पुलिस SDPO और SHO ने जो है इसमें अपने मतलब टीम बना के कंस्टिट्यूट करके इसको इसमें बहुत सारे सस्पेक्ट्स राउंड अप किए गए और बड़ी मेहनत के साथ इसकी तफ्तीश की गई। इनकी मेहनत की बदौलत जो है वो केस वर्कआउट हो गया और इसमें जो है वो एक शख्स जो वहाँ बिहार का इसी जो डिसीज्ड के ही डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था, स्त्येंद्र महतोब गोपालगंज बिहार का रहने वाला था, तो इसने ये मर्डर किया है और इसने कन्फेस किया अपना क्राइम जो है वो कि उसने ही इसे ये सजा हुआ है। उसमें आला जर्ब जो था हैमर था वो भी रिकवर कर लिया गया है और उसके अलावा जो है वो मोबाइल भी इसका इसने जो है जो कातिल ने फेंक दिया था दैट इज़ आल्सो रिकवर्ड। और बाकी जो है जो चीज़ें जो सीन ऑफ क्राइम से मिली गई जिस जो इसको कनेक्ट करती हैं वाकई इसी ने किया और इसने अपने जुर्म कन्फेस भी किया। सर ये तो, क्या कारण थे जिसके कारण छानबीन में क्या पाया गया? जो जो कातिल है सत्येंद्रा महतो उसको ये शक था कि इसका जो डिसीज्ड है इसकी उसको ये शक था कि उसके डिसीज्ड के उसकी बीवी के साथ तलाक थी, तो इसी शक की बिना पे इसने जो है उसको मारा है। ये कहीं उस शाम को इकट्ठे हुए फिर जो है क्योंकि उसने हैमर उसके हाथ में था हैमर से उसने ताबड़तोड़ उस पर हमला किया और जो है उसको जब सर में चोटें मारी तो वो बेहोश हुआ और उसको उसने मर्डर कर दिया। सर जो कल्प्रिट्स हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएंगी? अब कल्प्रिट तो अभी एक ही है और उसका मोटिव भी जाहिर होता है कि उसको ये गालिब शक था कि उसकी बीवी के साथ इसके नाजायज़ संबंध हैं। इसको इन्वेस्टिगेशन को हम प्रोफेशनल तरीके से हमारी टीम करेगी ताकि जो मुलजिम को मैक्सिमम जो कत्ल की सजा है वो मिल सके।